सर, अभी विंग कमांडर अभिनंदन को प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया गया है, आप खुद प्रिजनर ऑफ वॉर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं विंग कमांडर के लिए और क्या मैसेज है? जो मैंने अभी टीवी पर देखा है, इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, ए इंटेलिजेंट बॉय, एंड ही मस्ट मेंटेन हिज कूल। इन टुडेज लाइफ द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग। I have some hope, or I'll say I'm hopeful, that the Pakistani authorities, उसकी देखभाल एक इंसान के रूप में करेगी। सर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, एक वीडियो भी रिलीज वहाँ से हुआ, विंग कमांडर अभिनंदन को वहाँ पे मॉब ने लिंच करने की भी कोशिश की, उसके बाद वो एक चाय पिला के उनका एक वीडियो रिलीज़ किया गया जिसमें ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि उनकी अच्छी देखभाल वो कर रहे हैं और ऐसा वो क्लेम भी कर रहे हैं। क्या वाकई में वो विंग कमांडर की अच्छी देखभाल कर रहे हैं? देखिए, आज के ज़माने में अपनी टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि फ़ोटोशॉप तो कहीं भी हो सकता है, पर मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ रहा है, पूरी दुनिया उनको देख रही है, ही विल बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल ह्यूमन, एक इंसान की जगह। सर, अभी दो देश भारत और पाकिस्तान युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हैं, क्या आपको लगता है ये जो प्रेजेंट क्राइसिस है युद्ध से सॉल्व हो सकती है? हर चीज़, हर मसला युद्ध से नहीं होता, युद्ध एक आखिरी चीज़ है। और आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए, 47-48 में हमने तो अटैक नहीं किया था, उनने कश्मीर पर अटैक किया था। 1965 में पहले उनने बॉम्बिंग की थी, 1971 में पहले उनने बॉम्बिंग की थी, कारगिल में, सियाचिन में पहले वो जाके बैठे थे। आप बताइए, 71 में वार में हमने पूरा ईस्ट पाकिस्तान जीत लिया था, चाहते तो हम बैठ जाते, पर हिंदुस्तान नहीं चाहता कि हम किसी की ज़मीन पर बैठें। पूरा क्या किया उन्होंने, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, मुजीबुर रहमान को सौंपा और बाहर आ गए। आप 65 वार ले लीजिए, हम तो काफ़ी आगे बढ़ गए थे, पर जब बातचीत हुई टेबल पर बैठ के हम लोग वापस आ गए। अभी कारगिल देख लीजिए आप, हम कभी उनके एरिया में नहीं गए, हमने सिर्फ ये कहा है कि ये हमारा है और हम यहाँ रहेंगे और हम वहाँ रह रहे हैं। तो युद्ध हर चीज़ का जवाब नहीं, पर यदि थोपा जाएगा तो पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। एक चीज़ और है, देखिए अभी हम युद्ध में हम नहीं गए, अभी भी हमने अभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया है, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप या दहशतगर्दी जिसको आप लोग बोलते हैं उनको मारने के लिए अपने ही देश में अटैक किया। कश्मीर हमारा है, हमने लाइन ऑफ LOC नहीं क्रॉस की, हमने यहीं मारा है उनको। तो युद्ध इसका जवाब नहीं, पर यदि छेड़ेगा हमको तो मुझे, मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ, अपने फौजियों पर पूरा भरोसा है कि आधुनिक हवाई जहाज नहीं है हमारे पास, आधुनिक वेपन्स नहीं हैं, उसके बावजूद हमारे सिपाही, हमारे वायु सैनिक और हमारी नेवी। कौन जिम्मेवार है इसके लिए हमारे पास आधुनिक वेपन नहीं, आधुनिक हथियार नहीं? अब साहब, इसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये मालूम है कि तेजस विमान, जिसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, 40 देने थे, शायद अभी तक 10 आ गए हैं। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है मैं नहीं कह सकता हूँ। जो न्यूज़पेपर और टेलीविज़न से पता लगा है कि राफेल हम लोग शायद 2007 में ख़रीदना चाहते थे, अब 2019 हो गया है, अभी तक तो राफेल का सिर्फ सुन ही रहे हैं, बातचीत है, हो सकता है सितंबर में आ जाए, जैसा कि आप लोगों ने बताया।